कोई भी विदेशी नागरिक जिसके खिलाफ जो इलीगल तरीके से भारत में आया है वो ना कोई फिल्म बना सकता है ना कोई रील बना सकता है। वो हमने डीएम साहब को कहा है कि ये महिला सर वकील का काम केस लड़ना है कि घर किसी के घर जाकर के ये कह रहा है ये फला की वाइफ है। पहले हमसे तो बचो, पहले जो आपने कृत्य किया है पहले उसको अपना डिफेंस तो कर लो। क्या कार्रवाई करेंगे, हमने क्या गलत किया है, हम कर रहे हैं ना कार्रवाई, तो वो बच के दिखाओ। हम इधर से भी रिक्वेस्ट करेंगे, चलो वकील साथी था, गलती होगी कोई बात नहीं, बुजुर्गों की एज में जाने जा रहा है, लेकिन अगर वो गलती को फिर दोहरा रहे हैं और गलती भी अकड़ेंगे तो हम फिर उसको लीगल, ये तो कानूनी जंग छिड़ गई है। इससे पूरे देश की महिलाएं आहत है कि एक पति को छोड़ करके वो, और मैं भारत का पहला वकील ऐसा हूं जिसने पाकिस्तान में जाकर के भारतीय कैदियों की रिहाई के लिए लाहौर हाईकोर्ट में और कराची हाईकोर्ट में मोमिन मलिक बनाम पाकिस्तान सरकार एक केस फाइल किया था और उसके बाद बहुत सारे कैदी छूट के आए हैं। ये देखिए आप अपने चैनल पर दिखाइए, उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की है। यह धर्मांतरण अधिनियम 2021 उसके तहत कोई महिलाओं का नाबालिग बच्चों का धर्म चेंज करता है तो उसको 15,000 से 50,000 रुपए तक का जुर्माना और 3 से 10 साल तक की कैद है। पिछले दिनों 427 एफआईआर दर्ज हुई, 887 जो गिरफ्तारियां हुई उसमें मुस्लिम समाज के बड़े बड़े मौलानाओं को गिरफ्तार किया गया और इन छोटे छोटे बच्चों का आज जो है ना धर्मांतरण किया जा रहा है, उनको जो है ना मंथावन किया जा रहा है, उनका धर्म चेंज किया जा रहा है। क्यों भेजा, क्यों क्या लिखा क्यों? नोटिस में बहुत कुछ डिटेल लिखी है, नोटिस के अंदर काफी पेजेज हैं और बहुत बड़ी डिटेल हमने उसके अंदर भेजी है और उसके अंदर अली उसको बताया कि ये आपने किया है, सारी गलती को रिवाइज कराया है कि आप 30 दिन के अंदर माफी मांगे दुनिया के सामने और आप इतने करोड़ रुपए का मुआवजा दें नहीं तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले आप गौतम बुद्ध नगर थाने में भी गए, एसपी को भी डीएम को भी आपने लेटर लिखा कि उनके सोशल अकाउंट को बंद कर दिया जाए, उससे क्या परेशानी? परेशानी नहीं, भारत का कानून हमें बाध्य करता है। सेक्शन 11A 1946 इंडियन फॉरेन एक्ट क्या कहता है, कोई भी विदेशी नागरिक जिसके खिलाफ जो इलीगल तरीके से भारत में आया है वो ना कोई फिल्म बना सकता है ना कोई रील बना सकता है ना कोई इंटरव्यू कंडक्ट कर सकता है और ना ही सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म यूज कर सकता है अगर उसके खिलाफ फॉरेन एक्ट का मुकदमा दर्ज है प्रायर टू परमिशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। भारत सरकार की परमिशन के बगैर वो कुछ भी ऐसा नहीं कर सकता। वो हमने डीएम साहब को कहा है कि ये महिला सेक्शन 11A 1946 इंडियन फॉरेन एक्ट का वायलेशन कर रही है, इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज है और ये जमानत पर है और जमानत के अंदर भी जज साहब ने ये शर्त रखी थी कि कोई भी फॉरेन एक्ट का वायलेशन नहीं करोगे आप। तो हमने डीएम साहब को लिखा है, हमने एसएसपी को लिखा है कि ये क्या हो रहा है और अगर इसके इस कृत्य की वजह से भारत की एकता अखंडता को किसी प्रकार की ठेस पहुंचती है या कोई नुकसान पहुंचता है तो उसका वहां का प्रशासन जिम्मेदार होगा। सीमा सचिन तक ठीक था लेकिन आपने वकील को बीच में ला दिया, 5 करोड़ का नोटिस। वकील का काम केस लड़ना है कि घर किसी के घर जाकर के ये कह रहा है ये फला की वाइफ है, ये वकील का काम है? वकील का काम तो केस लड़ना होगा ना कोर्ट में, वो भी कानूनी कार्रवाई क्या करेंगे शायद? क्या कानूनी कार्रवाई, हमसे बच लो ना पहले, क्या कानूनी कार्रवाई करेंगे? पहले हमसे तो बचो, पहले जो आपने कृत्य किया है पहले उसको अपना डिफेंस तो कर लो। क्या कार्रवाई करेंगे, हमने क्या गलत किया है, हम कर रहे हैं ना कार्रवाई, तो वो बच के दिखाओ या तो माफी मांगो। तो हम चलो वकील भाई है, हम कंसिडर कर लेंगे, हम इधर से भी रिक्वेस्ट करेंगे, चलो वकील साथी था, गलती होगी कोई बात नहीं, बुजुर्गों की एज में जाने जा रहा है, लेकिन अगर वो गलती को फिर दोहरा रहे हैं और गलती भी अकड़ेंगे तो हम फिर उसको लीगली बख्शेंगे कोई? आप सीमा हैदर को अगर कोई मीना बोल देता है तो आप बड़ा गुस्सा हो जाते हैं, तो वजह क्या? पूरा देश बोला आजकल, सीमा खुद बोलती है इसको। देखिए कानून, हम भारतीय कानून से बंधे हुए, तलाक की डिग्री दिखा दे, खूब बोल ले सचिन की भाई, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, तलाक की डिग्री दिखाए ना। स्पेस स्पेस देखिए कानून सबके लिए, चाहे वो भारत का वासी हो चाहे वो दुनिया के किसी भी मुल्क का रहने वाला हो। आप बताइए कि एक पत्नी बिना अपने शौहर से तलाक लिए किसी के साथ रहना शुरू करे, दुनिया में कौन आदमी उसको एक्सेप्ट कर लेगा, ये बताइए। और आप कहते हो जी सीमा की वाइफ ना, ये आप कहते हो कि ये ना कहो, तो आप अपने चैनल पे उसकी, जो आपका चैनल है बहुत अच्छा चैनल है, तो मैं कहता हूँ आप अपने चैनल पे उसकी जो तलाक की डिग्री वो दिखा दो, हमें कोई एतराज नहीं होगा। आप अपने चैनल पे ही एक बार पब्लिश कर दो, उससे बोलो कि वो अपनी तलाक की डिग्री दिखाए एक बार। तो आगे क्या कार्रवाई रहेगी, नोटिस के जरिए नोटिस अब तक पहुंच गया है या फिर आगे क्या रहेगा? जेल कराऊंगा,
ये आप पिछली बार भी बोल चुके 5 साल की जेल करूंगा, जेल करूंगा 100% करूंगा। गुलाम हैदर क्या चाहते हैं, जेल या फिर ये तो जंग छिड़ गई है, लीगल जंग, ये तो कानूनी जंग छिड़ गई है। इससे पूरे देश की महिलाएं आहत है कि एक पति को छोड़ करके वो कैसे दूसरे की दूसरे नाजायज संबंध के सिंदूर के नाम का सिंदूर अपने माथे में भर रही है। तो सर कसूर शीमा हैदर का है ना, जो इतनी दूर से आई सचिन उसको लेके नहीं आया। कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं क्यों, वो पहले भी तो आई इतने बार, सचिन मिलने के लिए गया था सचिन, वो इस बार आने से पहले वो पहले नेपाल आ चुकी है अकेली बच्चों को छोड़ करके। ये मैं बताता हूँ आपको, ये देखिए कब आई है वो, ये भी देख लीजिए कि कब आई है वो, आपको मैं बताता हूँ। वो एक बार पहले आ चुकी है, वो आ चुकी है 10/3/2023 को शारजा होते हुए, ये FIR में लिखा हुआ है कि देखिए, ये देखिए पढ़िए सर। वो तो प्यार में सचिन से मिलने के लिए नेपाल के रास्ते आई थी ना, वो प्यार नहीं है, ये अपने आप से धोखा है, इसको प्यार क्या, अपने बच्चों से धोखा है, ये अपने पति से धोखा है, ये संसार में एक गलत मैसेज है, वो महिलाओं को बदनाम करने का इसका तरीका है। महिला ऐसी नहीं होती, सावित्री होती है महिला, अपने पुरुष अपने पति के लिए उसको परमेश्वर होता है उसका पति, और उसके प्राणों को वो जो प्राण लेके जाते हैं, क्या नाम है उनका जो प्राण लेके जाते हैं, यमराज से भी उसके प्राणों को वापस ले आती है, वो है महिला। आप तो कानून के जानकार है, इस पे एजेंसियां लगी हुई है और हमारी न्यायपालिका भी है, कानून अपना काम कर रहा है। तो वो जेल में भी गई, फिर जमानत भी हुई, तो वो लीगली तौर पे चल रही है ना, वो तो चल रही है ना, लेकिन 7 महीने आज 8 महीने होने जा रहे हैं। 173 CRPC की सेक्शन 173(2) के तहत चार्जशीट अब तक क्यों फाइल नहीं हुई बताइए। उसको रिकवरी किया गया, जो सीमा हैदर को फर्स्ट टाइम जो पकड़ा गया वो बल्लभगढ़ के सेक्टर 59 के चंद्रावल नाला पार एरिया से पकड़ा गया 3/7/2023 को, और उसको FIR जो है वो अगले दिन 4/7/2023 को रघुपुरा थाने में दर्ज की गई, जबकि ज्यूरिडिक्शन जो है वो बल्लभगढ़ की बनती थी। या तो आप पहले से FIR दर्ज हो तो आप अरेस्ट कहीं से भी कर सकते हो, लेकिन आप पहले अरेस्ट करते हो दूसरे राज्य से जाकर के, और उसके बाद जो आप अगले दिन थाने में जो है उसके खिलाफ पर्चा दर्ज करते हो, तो ये तो लैप्स है जी, बहुत बड़ा सिक्योर, ये तो इन्वेस्टिगेशन का बहुत बड़ा लैप्स है। बच्चे सीमा हैदर से उसी दिन रिकवरी हुए, उन बच्चों की इंफॉर्मेशन बल्लभगढ़ के चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर को क्यों नहीं दी गई उसी वक्त, उनका मेडिकल जो मामला विदेश से जुड़ा हुआ था उसी वक्त सीमा का, उन बच्चों का सरकारी अस्पताल में मेडिकल क्यों नहीं कराया गया उसी वक्त, इंफॉर्मेशन टू दी गार्डियन ऑफ दी चिल्ड्रंस क्यों नहीं दी गई। एक सवाल और है सर, आप संपर्क कैसे हो गुलाम हैदर से, आप वकील अपॉइंट किए गए कैसे? मैं इंटरनेशनल लॉयर हूँ, आप सभी जानते हैं, प्रसिद्ध वकील हूँ भारत का, कैसे? और मुझे दुनिया में लोग जानते हैं, गीता केस मैंने किया है, आपको पता है, सरजीत केस मैंने किया है, गीता को मैंने किया है, गीता के ऑर्डर्स मैंने कराए थे पाकिस्तान कोर्ट में जाकर के, और मैं भारत का पहला वकील ऐसा हूँ जिसने पाकिस्तान में जाकर के भारतीय कैदियों की रिहाई के लिए लाहौर हाईकोर्ट में और कराची हाईकोर्ट में मोमिन मलिक बनाम पाकिस्तान सरकार एक केस फाइल किया था, और उसके बाद बहुत सारे कैदी छूट के आए हैं, और मैं वहां जाकर के वहां की जेलों का निरीक्षण करता हूं, जो भारतीय कैदी होते हैं उनको उनके केसेस में वहीं के वकीलों को बांट के आता हूं, और उनको उनके छुड़ाने के लिए मैं कोशिश करता रहता हूं। जी, इसमें कैसे संभव, गुलाम हैदर से हुआ या संसद मुझे से हुआ? मुझे इंटरनेशनल लेवल के सभी ह्यूमन राइट्स के लोग जानते हैं, UNO के जो एडवाइजर है मिस्टर अंसार बर्नी, जो के फेडरेशन मिनिस्टर भी रहे हैं और ह्यूमन राइट्स पे UNO के एडवाइजर, उनका ये रिक्वेस्ट लेटर मुझे मिला है, ये देखिए आप अपने चैनल पे दिखाइए, उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की है कि हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं ये केस लेने के लिए, और मेरे से क्योंकि मैंने उनकी रिक्वेस्ट को इसलिए स्वीकार किया है कि हमारे जो भारतीय कैदी जो मछुआरे हैं इलीगल ट्रेसपासर्स है, बहुत सारे हमारे भारतीय कैदी उनकी जेलों में बंद है, तो ये अंसार बर्नी एक ऐसा आदमी है जो भारतीय कैदियों की मदद करता है, और जब भी मैं वहां जाता हूँ पाकिस्तान तो वहां की जेलों में जाकर मैं मुआयना करता हूँ, और वहां के जो हमारे भारतीय नौजवान लड़के वहां कैद हैं उनकी रिहाई के लिए मैं कोशिश करता हूँ। मेरे लिए मैं दोनों मुल्क के लिए ह्यूमन राइट्स के काम देखता हूँ। मेरे लिए सरजीत केस को मैं गया, 2 बार मैं जेल में मिलकर आया सरजीत से, उसका बना हुआ पेन मेरे पास है, वो बीमार था, 2,000 रुपए की मैंने वहीं से दवाई लेके उसको दी, 30,000 रुपए मैंने वहां जेल सुपरिटेंडेंट को जमा कराए, क्यों कराए जमा, वो भारतीय कैदी था। सवाल मेरा भी ये है कि गुलाम जो है गुलाम हैदर वो क्या चाहते क्या है, बच्चों की कस्टडी या सीमा को जेल या फिर जो आपने दावा किया नोटिस का? देखिए देखिए, एक हारा हुआ पति,
एक हराओ पति जिससे चार बच्चे पैदा हो गए होंगे और उसने अपने बच्चों को लालन पोषण किया हो, अपने बीवी को अच्छी सुविधाएं दी हो और अच्छी सुविधा देने के लिए वो विदेश में चला गया हो और उसका कोई कोई उसकी हस्ती खेलती फैमिली को तबाह कर दे और चार चार बच्चों के लेकर के बिना तलाक लिए एक नाजायज संबंध में किसी व्यक्ति के साथ रहना शुरू कर दे, वो व्यक्ति क्या चाहेगा? आप बताइए क्या चाहेगा? हम सब मर्द हैं, सारी महिलाएं जैसी नहीं एक आध हो जाती है, अच्छे बुरे समाज में हर तरह की महिला, भारत की सारी महिलाएं उसका विरोध कर रही है, लेकिन वो पति क्या चाहेगा? उसके सामने दो तरीके, या तो खुद सुसाइड कर लेता या अब वो दुनिया में जलील भी तो हो रहा है ना सबके सामने कि इसकी बीवी ने ऐसा कर दिया, या उसने हिम्मत करके अपनी कानूनी जंग को लड़ने का फैसला किया, वो अपने बच्चे चाहता है। आखिरी सवाल आपसे, 3-3 करोड़ का आपने नोटिस डाल दिया उनको, 5 करोड़ उनके वकील को डाल दिया, तो अभी तो उन्होंने शुरुआत की थी कमाई के, काफी गरीब परिवार से दिखते, क्या लगता है? तो तरीका है ना, अगर वो 5 करोड़ 3 करोड़ नहीं दे सकते तो माफी मांगे